हेलो दोस्तों, मैं हरिद्वार में आया हुआ हूँ और यहाँ पे आज हर की पौड़ी में हूँ। यहाँ पे आज नहाना है मुझे, तो गंगा स्नान करना है। साथ साथ आपके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि अपनी आंखों से मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ मनोरम जो दृश्य है यहाँ का। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये गंगा माँ के पानी की धार देखिए आप। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो ये देख रहे हैं, मैं हरिद्वार में हूँ, हर की पौड़ी। ये गंगा नदी कितने इनकी बहाव देखिए, कितनी सुंदर सुंदर है, कितनी तेज बहाव है। ये लाइटिंग देख लीजिए, ये आप देखिए सामने मनसा देवी। कितनी अच्छी लाइटिंग है, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक करेंगे और दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि अभी के वीडियो यदि आपको अच्छे भी नहीं लग रहे हैं तो आने वाले टाइम पे काफ़ी बढ़िया वीडियोज में लेकर आने वाला हूँ, सीरीज लेकर आने वाला हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं एक होली से रिलेटेड होली सरस्वती पूजा सीरीज चला रहा हूँ। इसके बाद अभी ये हरिद्वार हर की पौड़ी ये एक सीरीज चलाऊँगा, मैं कुछ और भी बेहतरीन लेकर आने वाला हूँ। तो ये इसकी जानकारी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कुछ वीडियोज़ में, फिर भी मैं आपको डिटेल इसका दूंगा। तो लुफ्त उठाइए आप, ये गंगा माँ को देखिए आप, ये बहाव देखिए, मज़ा आ रहा है। ये रात का वीडियो है, फिर भी जो मजा आ रहा आप देखिए। ये लाइटिंग देखिए कितनी खूबसूरत है, जय गंगा माँ, आप दर्शन कीजिए गंगा मैया का। बस दिल खुश हो गया है मेरा, आपको ये महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि आप मेरी आँखों से देख रहे हैं, पर जो मैं फील कर रहा हूँ क्या वो आप फील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यदि इसके लिए तो वो आना पड़ेगा। हरिद्वार आइए, यहाँ गंगा माँ का दर्शन कीजिए और लुफ्त उठाइए और धन धन हो जाइए। दोस्तों सरकार की पूरी सहायता के लिए, तो ये मेरे साथ कुछ साधु संत मेरे साथ हैं, जो माननीय साधु संत हैं, इनसे मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाह रहा हूँ कि क्या महिमा है ये महाकुंभ का और ये हर की पौड़ी पे नहाने का, क्या इसके बारे में क्या ये कहना चाहेंगे, क्या जानकारी देना चाहते हैं। कुंभ का भरा जो मिला था लक्ष्मी जी को, उन्होंने पहली बार इस हरिद्वार में रखा था, दूसरी बार इलाहाबाद में, तीसरी बार उज्जैन में और चौथी बार नासिक में रखा था, जो चार जगह सनातन धर्म में ये सबसे बड़ा मेला लगता है जिसे कुंभ और महाकुंभ कहा जाता है। 6 वर्ष बाद कुंभ
अर्ध कुंभ लगता है और 12 वर्ष बाद महाकुंभ होता है। इसीलिए यहाँ कुंभ का मेला लग रहा है, क्योंकि यहाँ गंगा जी प्रकट हुई थी जिस धरती पे, और साक्षात रूप से यहाँ कलश की एक बूंद यहाँ गिरी थी और एक बूंद अमृत की गिरी थी। एक अमृत की बूंद गिरी थी इलाहाबाद में, तीसरी बूंद नासिक में और चौथी बूंद वो उज्जैन में। इस प्रकार से चार जगह हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये कुंभ का मेला लगाया जाता है जो 12 वर्ष बाद लगता है। और अर्ध कुंभ होता है वो 6 वर्ष बाद लगाया जाता है। जैसे लोगों को गलत जानकारी है कुछ लोगों को, कि जैसे बता रहे थे कि 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, तो ये आप जैसे बता रहे हैं, अरे नहीं, यहाँ कुंभ चलता है जनवरी से 4 महीने अप्रैल तक, लेकिन ये कोरोना की खातिर ये 3 स्नान शाही रखे गए हैं, जो आज शाही स्नान है संतों का, जो अब इसके बाद चलेगा 13-14 को स्नान है, उसके बाद चलेगा 27 को जो लास्ट स्नान है, उसके बाद 30 अप्रैल को ये सरकारी, तो अभी तो हो जाएगी 21 चल रहा है, अब 2023 में आएगा। ये महाकुंभ 2023 में पड़ेगा फिर जाकर। जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में तो बताइए, कुछ बोलिए, नहीं बोलना आपको। ये है स्थिति यहाँ कुंभ की जी, जिसे सरकार मान्यता देती है। में सोमवार को जो हमें स्नान करना होता है, तो उसकी क्या मान्यता है, सोमवार को क्या खास बात है? सोमवार को ये खास बात होती है कि पांडव, हमारे जो पांडव हुए थे और कौरव, उनको 12 वर्ष इंतजार करने के बाद भी सोमवती अमावस नसीब नहीं हुई थी, इसीलिए सोमवती अमावस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसीलिए आज सोमवती अमावस भी है, इसलिए इसको शाही स्नान की संज्ञा दी गई है, जो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है शाही स्नान का हिंदू धर्म में, और सबने सनातन धर्म के इसी बारे में कहा जाता है। क्या आप यहीं पर रहते हैं या फिर आप कहाँ से हैं? हम वैसे तो इटावा मैनपुरी से हैं, लेकिन ज़्यादा ब्रज में रहते हैं, लेकिन यहाँ भी काफ़ी रुकते हैं और हर अमावस और पूर्णिमा को आते रहते हैं स्नान के लिए, क्योंकि यहाँ पवित्र जल है जिसकी खातिर यहाँ लोग स्नान के लिए आते हैं, स्वच्छ जल है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी हैं, तो बस आशीर्वाद। जय गंगा मैया। तो ये मैं, आप अंदाजा लगाइए मैं कहाँ पर हूँ। तो आज मैं ट्रेवल पर निकला हूँ, ये हरिद्वार हर की पौड़ी, ये रात के समय पहुँचा मैं यहाँ पे। ये देखिए मनसा देवी, ये पहाड़ों पे, ये गंगा नदी, ये गंगा माँ कैसे बह रही है एकदम, कितनी शीतलता है इसमें, हवा इतनी शुद्ध बह रही है, मज़ा आ रहा है। ये सामने मनसा देवी देख रहे हैं,